हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन हो गई है और अगर नहीं भी हुई है तो भी कोई बात नहीं, अगले साल के लिए तैयार कर लेना। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की तैयारी अच्छी हो गई होगी। जिन लोगों की सीबीटी में रैंक बिलो 2000 तक आ रही है उनका डेफिनेटली बहुत अच्छा चांस है सेलेक्ट होने का, और जिनका टेस्ट सीरीज में भी 1500-1000 से नीचे आ रही है उनका भी चांसेस बहुत अच्छा है सिलेक्शन का, और पर्टिकुलरली उन बच्चों का जिनकी रैंक बिलो 500 आ रही है उनका मैं कह सकता हूँ कि अगर वो थोड़ा सा भी फोकस होके और एक तरीके से पेपर अटेम्प्ट करेगा जैसे बताया था तो बिलो 100 आने के चांसेस भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगला 7 दिन आपको करना कैसे क्या है और कैसे कैसे आपको अपना शेड्यूल मेंटेन करके चलना है। तो जो लोग ऑलरेडी मेरा 75 डेज वाला या फिर 45 डेज वाला शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं उनके लिए वीडियो नहीं है, आप कृपया तैयारी करिए अगर आपका वो शेड्यूल चल रहा था, और अगर किसी का शेड्यूल वो नहीं चल पाया है उनके लिए ये वीडियो है कि अगले 7 दिन में आपको क्या करना है। सबसे पहली चीज़, टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि जो रैंक है वो ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, बस अब जाके प्रेजेंट अपने आप को करना है। एक सर्टिफिकेशन बाकी है, एक स्टैंप लगनी बाकी है कि आपकी रैंक आ गई है। ठीक है, और दूसरी चीज़, आसपास के नेगेटिव लोगों से दूर रहना। थर्ड थिंग, अगले 7 दिन में से अभी 5 दिन जो है उनमें 5 फुल लेंथ टेस्ट आप देंगे, और वो टेस्ट आप मॉर्निंग में देंगे अगर आपका एक्चुअल एग्ज़ाम मॉर्निंग में है, सेम टाइम में देंगे, और अगर आपका एग्ज़ाम इवनिंग में है तो इवनिंग वाले ही स्लॉट में 2 to 5 आप डेली 5 दिन तक फुल लेंथ टेस्ट देंगे। फुल लेंथ टेस्ट में अगर आप 60+ स्कोर कर रहे हैं तो आपकी बिलो 100 रैंक आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। सिर्फ पेपर अच्छे से अटेम्प्ट करना है, जैसे बताया था 3 राउंड आपको फॉलो करने हैं। पहले राउंड में जो आपको लगता है 2 से 2.5 मिनट में हो जाएगा वो क्वेश्चन करने हैं, दूसरे राउंड में जो आपको लगता है आप कर लेंगे बट 4 से 5 मिनट लगेगी वो क्वेश्चन करने हैं, और थर्ड राउंड में फिर वो क्वेश्चन देखने जो आपको नहीं आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो भी आपके सॉल्व हो जाएंगे। प्लस जो एप्टीट्यूड और इंग्लिश वाला पार्ट है वो फर्स्ट राउंड ऑफ टेक्निकल के बाद आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और पर डे आपको टेस्ट के अलावा क्या करना है कि 3 सब्जेक्ट उठाएंगे, उन तीनों के फॉर्मूलाज आप लिख के देखेंगे। ठीक है, लिस्ट बना लीजिए क्योंकि 5 दिन है, 5 दिन में आपको पूरा सिलेबस का एक बार सारे फॉर्मूला लिख के याद करने हैं। 3 से 4 सब्जेक्ट एक दिन में आप लिख के याद करेंगे, उनके अलावा 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उन्हीं 3 से 4 सब्जेक्ट के जिनके आपने फॉर्मूलाज लिख के देखे हैं, और वो क्वेश्चन करेंगे आप जो टिक मार्क है या फिर सर्कल आपने कभी किए थे या फिर आपने स्टार मार्क किए थे या फिर आपको लगता था इंपॉर्टेंट है, वो वाले क्वेश्चन आप इन 5 दिन में देखने। शेड्यूल लाइट रखना है, फालतू की कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं या कम क्वेश्चन किए हैं ये सब कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको एक टेस्ट देना है एक दिन में, उसके अलावा 3 से 4 सब्जेक्ट के फॉर्मूला लिख के देखने और 100 के आसपास क्वेश्चन कर लेने जो आपने स्टार मार्क टाइप्स के किए हुए थे। लास्ट के जो 2 दिन रहेंगे उन लास्ट के 2 दिन में आपको फुल लेंथ टेस्ट नहीं देना है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना जो फॉर्मूलाज है वो लिख के याद करना है एक बार, और मतलब लास्ट के 2 वीक, 1 वीक जो आपका है 7 दिन है, इसमें आपके सारे फॉर्मूलाज 2 बार हाथ से लिख के आपके नीचे से जाने चाहिए ताकि आपको फाइनल एग्जाम में याद रहे। कुछ बच्चों की दिक्कत रहती है कि उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, देखिए कॉन्फिडेंस 100% तो कभी नहीं आएगा, हाँ इतना रहेगा कि हाँ मैं 70+ स्कोर कर लूँगा या 80+ स्कोर कर लूँगा। टेस्ट सीरीज में जो भी मार्क्स आ रहा है उसमें आप 15 से 20 नंबर जोड़ लीजिए, इतना आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल बताऊँ तो मेरे टेस्ट सीरीज में एट मैक्स 70-75 तक मार्क्स आता था और फाइनल एग्जाम में 92 आया था, तो इतना गैप आपका एग्जाम में और टेस्ट सीरीज में रहता है क्योंकि फाइनल एग्जाम रिलेटिवली आपका ईजी रहता है। ठीक है, बाकी अगर जो लोग घिटोरनी में है वो एग्ज़ाम से पहले मुझसे मिल पाएंगे डेफिनेटली, क्योंकि मैं अभी 27 तारीख को या 28 तारीख को घिटोरनी में आऊँगा, फेसबुक में अपडेट कर दूंगा तो आप लोग हम मिल सकते हैं, और कंफर्म डेट मैं आपको वाया फेसबुक बता दूंगा 27th और 28th, तो जो इंटरेस्टेड बच्चे हैं वो मिल सकते हैं। इसके अलावा मेरे लायक कोई सेवा हो, कोई क्वेरी हो, कोई डाउट हो जो मैं पर्सनल लेवल पे सॉल्व कर सकता हूँ तो आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आइए।